हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सेल और विल बी के ऊपर पढ़ाया था। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, यूज़ ऑफ दिस डैट दीज और दोज के ऊपर है। तो जैसा कि आपको समझना है कि दिस डैट दीज और दोज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव में यूज़ होता, और ये सेंस किसको देगा, दूरी को। तो जैसा कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनना कि जैसे ये पर्सन है, एनी पर्सन और थिंग्स, जो कि इशारा किया जा रहा है, यानी किसी वस्तु को इशारा कर सकते हैं या किसी पर्सन को इशारा कर रहा है। तो इसलिए हम दिस या डैट या दीज या दोज का हम यूज़ करेंगे। दिस दिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, यह, और दिस के साथ क्या आता है, इज़, और डैट के साथ क्या आता है, इज़, और डैट को क्या बोलते हैं, वह। हिंदी भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। दीज को क्या बोलते हैं, ये, और ये सब भी बोलते हैं, और ये दीज के साथ क्या आएगा, आर, और पास्ट में क्या आता है, वर। दोज को क्या बोलते हैं, वे, या तो वे सब बोलते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, अब सारे एग्जांपल को हमें बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। यह एक किताब है, यानी किसी वस्तु को इंडिकेट कर रहा है। तो दिस इज अ बुक, यह हमारा सेंटेंस पहला कवर हो गया है। वह एक बिल्ली है, वह एक बिल्ली है, तो डैट इज अ कैट। कैट हमारा क्या है, नाउन, जो कि सिंगुलर है, इसलिए आर्टिकल आया था। जो कि मैंने दो क्लासेस में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया कि आर्टिकल का यूज़ कैसे करना है। यह लोमड़ी है, दिस इज़ अ फॉक्स। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। दिस के साथ आपको किसका यूज़ करना है, इज। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन रहा है। यह तस्वीर है, दिस इज़ अ पिक्चर। वह राम है, कई बार हम राम को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं तो ही इज़ राम लिख सकते हैं। कई बार बच्चे आर्टिकल भी लगा देते हैं, ही इज़ अ राम, जो कि गलत है। राम एक प्रॉपर नाउन है। अगर हम राम को इंडिकेट करते हैं तो डैट इज़ राम। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये लड़के हैं, अब ये के साथ क्या इंग्लिश आती है, ए को दीज बोलते हैं। दीज आर बॉयज, क्या है बच्चों, दीज आर बॉयज, वे लड़कियां हैं। दोज आर गर्ल्स, अब इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा क्योंकि दोनों ही नाउन जो है हमारा वो प्लूरल है। तो जैसा कि बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। जैसा कि बच्चों आपको ध्यान से सुनना है कि दिस और डैट का जो यूज़ होगा, दिस का नियर बाई चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए, जिसको आप टच कर सकते हो। जैसे कि ये मार्कर है, ये आपके सामने क्या है, मार्कर, मैं इसको टच कर सकता हूँ तो दिस लगाना। अगर फैन आपसे दूर है तो डैट लगाना। दीज भी क्या है कि पास की चीज़ों को इंडिकेट करेगा, जैसे कि ये लड़कियाँ, ठीक है, बहुत सारे पेन, ये मेरे पेन्स हैं। तो आप देखो ना कि जो नाउन क्या है, प्लूरल है, तो पेन्स को आप टच कर सकते हो। तो दीज और दिस पास की चीज़ों को इंडिकेट कर सकता है, जबकि आप टच कर सकते हो इसको। डैट और दोज का जब यूज़ करोगे, आपसे पर्सन हो या थिंग्स हो, ये आपसे थोड़ा दूर रहेंगे, जो कि आप टच नहीं कर पाओगे। इसलिए डैट और दोज का यूज़ करना किस में होगा, दूर के लिए। डैट और दोज का यूज़ करेंगे दूर के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि एनी पर्सन और थिंग्स के लिए आपको क्या यूज़ करना है, दिस और डैट, दीज और दोज। इस तरीके से आपके सारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल के ऊपर पढ़ेंगे।